नमस्कार, मैं आपके साथ सुधा शाह और आप देख रहे हैं 5 मिनट में 25 खबरें। चीन के साथ तनाव पर यूएस से बोले राजनाथ की बातचीत से सुलझाएंगे विवाद। 11 साल के निचले स्तर पर देश की जीडीपी, 2009 की मंदी जैसा माहौल। रिम्स के कोरोना वार्ड में ड्यूटी कर रही डॉक्टर से रेप की कोशिश, आरोपी सीनियर डॉक्टर फरार। हाईकोर्ट का दिल्ली सरकार को निर्देश, 10 दिन के अंदर ऑटो ड्राइवरों को मिले ₹5,000 का मुआवजा। पीएम मोदी का दूसरे कार्यकाल का पहला साल पूरा, अमित शाह ने दी बधाई। जेपी नड्डा का बयान, पीएम मोदी के 2.0 के प्रथम वर्ष की चुनौतियों को अवसरों में जाना जाएगा। कश्मीर के कुलगाम में सुरक्षा बलों का अभियान शुरू, 2 आतंकियों के फंसने की सूचना। त्रिपुरा में 25 मार्च के बाद पहली व्यावसायिक उड़ान से 160 लोग अगरतला पहुंचे। दिल्ली में कंटेनमेंट जोन की संख्या बढ़कर 102 हुई। राजस्थान के पूर्व बीजेपी अध्यक्ष भंवरलाल शर्मा का निधन। राजस्थान में 31 मई के बाद भी जारी रहेगा रात्रिकालीन कर्फ्यू। रेलवे की बेदर्द अपील, कहा कि श्रमिक ट्रेनों में गर्भवती महिला और बच्चे सफर ना करें। टीटीई को कोट टाई पहनने की जरूरत नहीं, फेस शील्ड और ग्लव्स पहनने की जरूरत। देश का नाम इंडिया से भारत करने के लिए याचिका, 2 जून को चीफ जस्टिस की बेंच सुनवाई करेगी। सीएम ममता बनर्जी का ऐलान, 1 जून से धार्मिक स्थान खोले जाएंगे, सरकारी और प्राइवेट ऑफिस में 100% स्टाफ आएगा। अमित शाह ने पीएम मोदी को लॉकडाउन पर मुख्यमंत्रियों की राय बताई, कई राज्य 2 हफ्ते और बढ़ाने के पक्ष में हैं। सुप्रीम कोर्ट का आदेश, कहा कि प्रवासी मजदूरों से ट्रेनों और बसों का किराया ना लिया जाए। कुत्ते के अटैक से बिगड़ा टीवी एक्ट्रेस सना मकबूल का चेहरा। कहीं जब दूर दिन ढल जाए जैसे गीत लिखने वाले कवि योगेश नहीं रहे, लता मंगेशकर ने दी श्रद्धांजलि। ऋतिक ने कजिन पश्मीना के लिए भावुक पोस्ट लिखा, कहा हम भाग्यशाली हैं जो तुम हमें मिली। 14 साल की उम्र में कौन बनेगा करोड़पति में 1 करोड़ रुपए जीतने वाले रवि मोहन सैनी अब बन चुके हैं पोरबंदर के SP। गगन नारंग ने कहा कि कोरोना के बाद खेल की शुरुआत धीरे धीरे हो, खिलाड़ियों को मैदान पर उतरने के लिए दबाव नहीं डालना चाहिए। त्रिपुरा के खिलाड़ी ने इंटरनेशनल टूर्नामेंट शुरू किया, इंटरनेशनल मास्टर्स समेत 19 देशों के 200 खिलाड़ी शामिल। 2011 वर्ल्ड कप फाइनल टॉस विवाद पर संगकारा ने कहा कि मैं जीता था लेकिन धोनी मेरी आवाज नहीं सुन पाए थे। इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के अध्यक्ष नरेंद्र बत्रा के पिता का कोरोना टेस्ट पॉजिटिव।